हेलो लर्नर वेलकम टू आर पॉलिटेक गुरु चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन लॉसी जो प्रीवियस था वो इमेज कंप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ इमेज कंप्रेशन पे बेस था वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था इस वजह से मुझे कम्पेरिजन पे एक अलग पार्ट बनाना पड़ा और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट आपको बताने वाली थी वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने थ्री कॉलम्स बनाए हैं फर्स्ट वन फॉर पैरामीटर सेकेंड फॉर लॉसी कंप्रेशन एंड थर्ड फॉर लॉसलेस कंप्रेशन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैरामीटर क्या होते हैं पैरामीटर्स वो की पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप किसी भी दो टॉपिक को कंपेयर करते हैं यहां पे मैंने मैंने पहला की पॉइंट लिया है डेटा डिटेक्शन रिडक्शन एंड एलिमिनेशन मैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉसी लॉसी में एलिमिनेट करता है उन बाइट्स को जिसे आप कंसीडर करते हो एज नॉट नोटिसेबल ओके और लॉसलेस कंप्रेशन जो होता है ये उन बाइट्स उन बाइट को भी कंसीडर करता है जिसको आप नॉट नोटिसेबल कंसीडर कर रहे हैं नो लेट सी सेकेंड पैरामीटर विच इज क्वालिटी लॉसी कंप्रेशन जो है वो रिड्यूस करता है क्वालिटी को और लॉसलेस कंप्रेशन जो है वो डिग्रेड नहीं करता है क्वालिटी को एंड दर्ड पैरामीटर इज डिकम्प्रेशन और रिस्टोरेशन पेन वी परफॉर्मिंग लॉसी कंप्रेशन ये आपके फाइल को रिस्टोर तो करेगा बट उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर नहीं कर पाता है और वाइल भी परफॉर्मिंग लॉसलेस डिकम्प्रेशन इसमें आपका डिकम्प्रेशन ओरिजिनल फॉर्म में इसको रिस्टोर करता है अकॉर्डिंग टू साइज जैसे कि हम जानते हैं कि लॉसी जो होती है ये रिड्यूस करती है साइज ऑफ फाइल टू लार्ज एस्ट एंड एंड लॉसलेस कंप्रेशन जो होता है इसका जो रिजल्टेंट फाइल होता है वो वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू लॉसी नॉट एज स्मॉल ओके नो लेट सी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन लॉसी कंप्रेशन जो होते हैं इसका यूज किया जाता है ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस के कंप्रेशन के लिए और लॉसलेस जो होता है इसका यूज किया जाता है टेस्ट इमेजेस एंड साउंड के लिए स्टोरेज और कैपेसिटी जैसा कि हमें पता है कि लॉसी कंप्रेशन फाइल जो होती हैं वो कम साइज लेती हैं इसीलिए इनकी जो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी वो होती है वो ज्यादा होती है जैसे मैंने अभी आपको एमबी वाले दिया था कि अगर आपके पास 200 हंड्रेड का स्टोरेज है और अगर आपका डेटा केबीस में है तो आप उसमें ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और अगर वो ट्वेंटी एम बी थर्टी एम है तो आप उसे कम स्टोर कर सकते हैं सो so, आपका लॉसलेस कंप्रेशन जो होता है वो उसकी जो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लो होती है अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें एल्गोइथम कौन कौन से यूज होते हैं इन लॉसी वी यूज्ड ट्रांसफॉर्म कोडिंग डिस्क्रीट कोज़िन, ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट वेबलेट ट्रांसफॉर्म फ्रैक्शल कंप्रेशन एसेट्रा इन लॉसलेस वे यूज इन कोडिंग लैम्पल जीव बेल्च हाफमैन कोडिंग अर्थमेटिक कोडिंग एक्सेट्रा इन एल्गोरिथम के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे एनोलेट एग्जाम्पल्स जेपीजी फाइल फॉर्मेट जो है वो लॉसी कंप्रेशन का एग्जाम्पल है और PNG फाइल फॉर्मेट आपका लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जाम्पल है आई होप आपको ये कम्पेरिजन समझ में आया होगा चलिए जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं व्हाट इज एन इमेज कंप्रेशन मिनिमाइज करना आपके फाइल के साइज को या फिर इमेजेस को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जिसमें कि आपकी इमेज की क्वालिटी एक एक्सेप्टेबल लेवल तक डिग्रेड हो ओके एंड टू टाइप ऑफ कंप्रेशन टेक्निक यूज फर्स्ट वन इज लॉसी इमेज कम्प्रेशन लॉसी इमेज कम्प्रेशन के एडवांटेजेस ये है कि ये रिड्यूस करता है फाइल साइज को एक लार्ज अमाउंट में लेकिन इसके साथ साथ जो इमेज की क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड होती है बट ये ये कंसिडर करते हैं कि जो इमेज की क्वालिटी है वो इस अकॉर्डिंग डिग्रेड हो कि आपको इमेज का व्यू जो है वो और उसकी जो अपेयरेंस है वो एक थोड़ी बहुत सही से दिख सके और आपको एक कॉम्प्रोमाइज लेवल तक समझ में आए। लॉसलेस लॉसलेस इमेज कंप्रेशन जो है ये बेस्ट बेस मेथड होता है इसमें आपकी uh, का जो कंप्रेशन होता है उस, उसमें आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती है बट जो कंप्रेशन का जो साइज होता है जो रिजल्टेंट फाइल आएगी उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है एस कंपेयर टू लॉसिंग चलिए जल्दी से हम कंपैरिजन का भी रिवीजन uh, कर लेते हैं इसमें जो लॉसी में जो डेटा रिडक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लॉसलेस और लॉसी की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूज होती है एज कम्पेयर टू लॉसलेस और लॉसी में जो होता है हम परफॉर्म करते हैं डीकम्प्रेशन uh, तो उसमें जो आपकी ओरिजिनल डेटा होता है वो रिस्टोर नहीं होता है क्योंकि इसमें जो आपकी क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है एज कम्पेयर टू लॉसलेस रिजल्टेंट फाइल जो होता है आपका कंप्रेस की हुई इन लॉसी उसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू लॉसलेस लॉसी को हम ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस के लिए यूज करते हैं लॉसलेस को हम इमेजेस साउंड एंड टेस्ट के लिए यूज करते हैं स्टोरेज जो होता है लॉसी का वो हाई डेटा होल्डिंग कैपेसिटी होती है और लॉसलेस में लो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी एनएल जो यूज होते हैं ट्रांसफॉर्म कोडिंग डिस्क्रीट कोसिन एंड इन लॉसलेस हम यूज करते हैं रनर एन कोडिंग एग्जाम्पल से इसके जेपी एंड पीएनजी फाइल चलिए हम देख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज जो है बातें जो है वो समझ लेते हैं कि अगर आपको फाइव नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एन इमेज कम्प्रेशन तो आप इमेज कम्प्रेशन बताने के साथ साथ उसके टाइप्स को भी बताएंगे और अगर टू मार्क्स इमेज कंप्रेशन पूछा गया है तो आप इमेज कंप्रेशन बताएंगे पूरा और उसके टाइप्स के सिर्फ नाम बताएंगे एंड अगर आपसे लॉसी और लॉसलेस इमेज कंप्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन में तो जितना भी मटे, जितना भी मैंने नोट्स में आपको बताया है इतना सफिशियंट है आप इतना एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बट अगर आपसे कम्पेरिजन पूछा गया है सो so प्लीज आप इस टेबल को ही शो करिएगा आप पैराग्राफ में मत लिखिएगा आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये कंप्रेशन टेक्निक टेक्निक अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो